हेलो गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मतलब बहुत लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है। खासकर बिगनर ब्लॉगर की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग डेज में जब वो अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं, और ये प्रॉब्लम है ट्रैफिक का। क्योंकि उन सभी लोगों को पता है कि जो भी न्यू वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो इतनी जल्दी गूगल पे रैंक नहीं करेंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के डेज में आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे ला सकते हो, तो उसके ऊपर तो देखो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने तीन सोर्सेस बताए थे सोशल मीडिया के। उसमें से एक सोर्स था हमारा पिंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगर मेरी उस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं पिंटरेस्ट वाली वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि पिंटरेस्ट पे कैसे काम किया जाता है। ओके, तो आज की जो ये वीडियो इसी पे होने वाली है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे पिंटरेस्ट की हेल्प से अपनी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आप चाहते हो, खासकर बिगिनर ब्लॉगर जितने भी हैं जो न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, जिन्होंने जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आता रहूंगा, ठीक है। साथ ही साथ माइक्रो नीच कीवर्ड भी मैं आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ, और माइक्रो नीच के ऊपर मेरे एक केस स्टडी भी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी डेली बेसिस पे, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, अब आइए बात कर लेते हैं पिंटरेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिंटरेस्ट एक ऐसा सोर्स है, ठीक है, सोशल मीडिया का, जहां पर आपने ये देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पिंटरेस्ट की हेल्प से, ठीक है, काफी सारा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये मेरा पिंटरेस्ट का बिल्कुल एक नया पेज है जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया है, ठीक है। आप देख सकते हो 2 जून से यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है इसको काम करना, और आज है टोटल वही मान लो कितना 1 महीना हुआ होगा। और ये थोड़ा नीच जो है वो थोड़ी एपीके वाली नीच है, तो एपीके नीच में क्या होता है कि थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर कंपटीशन भी ज्यादा है, और दूसरी चीज ये है कि इतना मतलब कुछ देखो मेन पिंटरेस्ट पे खेल होता है इमेजेस का वीडियोस का, ठीक है। तो एपीके में इतना वीडियोस और इतनी इमेजेस नहीं मिल पाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कंट्रोल रहता है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता है। जैसे यहाँ पर अब आप देख सकते हो 763 इतना इंप्रेशन मेरा गया है जिसमें से 2 आउटबाउंड क्लिक मेरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मैंने बहुत सी ऐसी नीचेज हैं ब्यूटी की, ठीक है, फैशन की, जहां पर मेरा इंप्रेशन 1 महीने का 3-3 लाख गया है, ठीक है, 3-3 लाख इंप्रेशन गया है, और उससे मेरा जो है केवल और केवल मान के चलो 40-40-50 हजार का ट्रैफिक जो है वो केवल पिंटरेस्ट से मेरी वेबसाइट पे सोशल मीडिया के थ्रू गया, और काफी अच्छी अर्निंग हुई है। ओके, तो ये बिल्कुल नया पेज है, मैं आपको पेज भी दिखा दूं, ठीक है, आपसे इतना छुपाने वाला कुछ है नहीं मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल देखो मैं एपीके की साइट है, एपीके की साइट पे इतना कुछ खास मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर मैं क्या कहते हैं कि शुरू की न्यू वेबसाइट है, तो न्यू वेबसाइट पे एज अ रेफरेंस के तौर पे मतलब एक लिंक के लिए, लिंक जूस के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत पोस्टिंग करता हूँ, और उससे मेरे थोड़ा बहुत क्लिक और थोड़ा बहुत इंप्रेशन मिल रहा है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट जो है वो फैशन से रिलेटेड है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कुछ, जैसे कि मान के चलो मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि आप जो है कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ आप रिव्यू जैसा बना रहे हो, जैसे हेल्थ रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है उस पर रिव्यू कर रहे हो, ठीक है, आपकी हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट है, फैशन रिलेटेड वेबसाइट है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है। देखो यहाँ पर जावा वन जो है एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपको एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है, न्यूट्रा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत लोग हैं जो कि ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग में मोस्टली जो उनका ट्रैफिक पास होता है वो पास होता है सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया में वो जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक पास करते हैं वो पास करते हैं पिंटरेस्ट से। तो यहाँ पर देखो उन्होंने अलग अलग टाइप की इमेजेस बना रखी हैं, ठीक है, ऐसे उनको जो क्रिएटिव है वो मिलेंगे तो नहीं, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कैनवा का यूज करते हैं, ठीक है, कैनवा पे आते हैं। कैनवा बिल्कुल फ्री है, फ्री में आपको काफी सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको बस अपनी थोड़ी एडिटिंग के स्किल इम्प्रूव करनी होगी, आपको अच्छा सा यहाँ पर फ्री वाले जितने भी पैम्पलेट्स हैं उन पर थोड़ा बहुत आपको मेहनत करके अपना अच्छा सा एक कह लो वीडियो कह लो, ठीक है, या फिर कोई इमेज कह लो, उसे बना लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है,
ऐसे बना लेना है। बनाने के बाद उसे आपको शेयर करना है, उसमें आपको अपना लिंक डिस्क्रिप्शन जो कि आप चैट जीपीटी से इजीली निकाल सकते हो, अपना कीवर्ड इन सबको वहां पर प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद इजीली आप यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक कुछ ही दिन में पा जाओगे। और पिंटरेस्ट में एक चीज और ध्यान रखो, पिंटरेस्ट ऐसा भी नहीं है कि आप पिंटरेस्ट पे मतलब आज काम कर रहे हो तो कल नहीं करना, आज आपने एक पोस्ट डाली बस भूल गए, नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरे को डेली मतलब मैं जब भी कोई नया नया आर्टिकल पब्लिश करता हूँ तो मैं उसे शेयर जरूर करता हूँ, क्योंकि मेरे सारे आर्टिकल को मुझे रैंक कराना है। और उसमें देखो चलते कौन से कुछ, अब जैसे यहाँ पर ब्लैक होल एपीके देखो 110 इंप्रेशन गए, इसके 60 गए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको काम करना है, डेली आपको अच्छे खासे पोस्टिंग करने। अगर आपको डेली का ट्रैफिक लाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्विटर पे आपने अगर यूज करते हैं तो ट्विटर पे इस टाइम पे पिंटरेस्ट ट्रैफिक की बहुत ज्यादा बात होती है। बहुत लोग हैं जो कि पिंटरेस्ट का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं, उसी में से ये एक ट्वीट है, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हो टोटल 30 दिन में 4.41 मिलियन का इंप्रेशन गया है, जिसमें से आउटबाउंड क्लिक जो है मतलब साइट जो विजिट हुई है वो हुई है 90,000, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 51,000 लोगों ने क्लिक करके विजिट किया है वेबसाइट पे। तो आपको भी कुछ इस लेवल का काम करना है, इसके लिए आपको नीड अच्छी चाहिए, ठीक है, फैशन ब्यूटी हेल्थ और कुछ ऐसी यूनिक नीड जिसमें इमेज का बहुत बड़ा रोल है, वीडियो का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उस पर अगर आप काम कर रहे हो तो आप लोगों के लिए पिंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिंटरेस्ट पे आप काम करिए, पिंटरेस्ट पे आप अच्छा खासा ट्रैफिक अपडेट मतलब पिंटरेस्ट से अच्छा खासा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको गूगल अपडेट और किसी और भी टाइप का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्टली अप्रूवल लो और अच्छी खासी अर्निंग दबा के करो। यहाँ पर देख सकते हो पिंटरेस्ट पे देखो ये बंदा कितना देगा, 30 दिन में इसने 51,000 क्लिक प्लस वेबसाइट क्लिक किए हैं, जिसमें से जो है 4 मिलियन इंप्रेशन गए हैं, ठीक है। और इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1.5 लाख का, ठीक है। वही चीज है कि मतलब ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। मैंने पिंटरेस्ट पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं पिंटरेस्ट पे भी मैं और अच्छा वीडियो लेकर के आऊंगा। और ऑलरेडी मैंने 2020 में पिंटरेस्ट पे तीन तीन चार चार का लाख का ट्रैफिक गेन किया है, साथ ही साथ मैंने मीडियम से भी बहुत ट्रैफिक गेन किया है। मतलब सोशल मीडिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बचा नहीं होगा जहां से मैंने ट्रैफिक गेन नहीं किया है, ठीक है। आप अगर मेरी लास्ट की कुछ वीडियो उठा करके देखोगे ना तो वहां पर आप देखोगे मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। अभी ओल्डेस्ट में अगर मैं जाऊं तो कुछ वीडियोज ऐसी थी जिसमें मैं मीडियम मीडियम के बारे में बता दी, वो तो बाद में मीडियम बैन वैन होने लगा, ठीक है, पिंटरेस्ट इंटरेस्ट में दिक्कत आने लगी, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि सोशल मीडिया सीन ये था कि ये समझ लो इतना संभव हुआ, सीन ये था कि नॉर्मल बस ये था कि ट्रैफिक जो था उस टाइम पे एड्स लिमिट भी इशू आ जाते थे, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। वरना उस टाइम पे मैं दबा के करता था, ट्रैफिक गेन करता था, ठीक है। मेरी वीडियोस पड़ी होंगी जहां पे मैंने बहुत अच्छा ट्रैफिक गेन किया है मीडियम से, ठीक है। पुरानी वीडियो अगर उठा करके देखोगे ना तो उसमें मिल जाएगी आपको मेरी, ओके। तो मैं चलो मिल गई तो मैं पिन पे लगा दूंगा, ओके। अदरवाइज आप लोग भी ऐसा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे गेन कर सकते हो, बस उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी और उसके लिए आप लोगों को बस तैयार रहना है और जो चीजें मैंने बताई हैं उसे फॉलो करना है, ठीक है। कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपको नॉर्मली इमेज बनानी है, वीडियो बनानी है, देन उसके बाद देखो होता है कैसे पब्लिश, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना लेना, प्रोफाइल बनाने के बाद एज अ क्रिएट पिन पे जाना, ठीक है। इमेज वीडियो या अपलोड करना, टाइटल में अपना जो मेन कीवर्ड है, जो सर्चिंग कीवर्ड है, उस सर्चिंग कीवर्ड से रिलेटेड कोई टाइटल बना लेना छोटा सा, वो डाल देना। डिस्क्रिप्शन में उस कीवर्ड के रिलेटेड कुछ 100 वर्ड का कुछ लिख देना, नीचे 5 3 से 4 हैशटैग लगा देना, लिंक डाल देना जहां पर ट्रैफिक आपको पास करना है, बोर्ड बना लेना। बोर्ड इन द सेंस की मतलब कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी बना लेना और यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है वो डाल देना, देन पब्लिश कर देना, आपका इंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। यही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी है और आप अच्छा खासा ट्रैफिक पिंटरेस्ट से अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो, ओके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और वीडियो को लाइक भी करना, ओके।